हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मिनिमम ऑपरेशंस टू रिड्यूस एन इंटीजर टू जीरो ये प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। इसकी कैटेगरी है मीडियम। इस प्रॉब्लम में हमें एक नंबर दिया हुआ, हमारा टारगेट क्या है, हमें इस नंबर को जीरो पर लेके जाना है मिनिमम ऑपरेशन परफॉर्म करके। ऑपरेशंस क्या परफॉर्म कर सकते हो आप, किसी भी टू की पावर को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो इस नंबर में से, और ऐसे ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए आपको इस नंबर को जीरो पर लेके जाना है और अपने ऑपरेशंस को मिनिमाइज करने की कोशिश करनी है। नाउ जब भी आपके क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया हो, टू की पावर के रिलेटेड में दिया हो, तो आपको बिटवाइज ऑपरेटर का सोचना चाहिए। कैसे सोचना है इस प्रॉब्लम में हमें, मान लो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, मेरा एन है 15। मेरे ऑपरेशन सबसे कम कब होंगे, जब मैं इसमें एक ऐड कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा 16, फिर इसमें से 16 घटा दूँ, ये 2 की पावर 0 है, ये 2 की पावर 4 है, तो मेरे दो ऑपरेशन में मैं 15 को 0 बना सकता हूँ। अगर मैं 15 की बाइनरी प्रेजेंटेशन देखूँ तो क्या होगी, 1 1 1 1, इसमें 4 वन होंगे। तो अगर मुझे इस 15 को 0 बनाना है तो अल्टीमेटली मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सभी को 0 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मेरा नंबर 0 कब होगा, जब उसकी बाइनरी प्रेजेंटेशन भी 0, यानी मुझे इन चारों को 0 करना पड़ेगा। एक तरीका तो क्या है, जो भी ये 1 है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये 2 की पावर 0, ये 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में यही यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे 8 + 4 + 2 + 1, राइट, ये मेरा आएगा 15। तो एक तरीका तो क्या है, जिन 2 की पावर से मिलकर ये नंबर बना है, मैं 1 by 1 उनको घटाता जाऊँ, जैसे पहले मैं 1 घटाऊँ, फिर 2 घटाऊँ, फिर 4 घटाऊँ, फिर 8 घटाऊँ। बेसिकली इससे क्या होगा, हर बार में मेरा 1 1 अनसेट हो जाएगा, 1 1 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। इससे मेरे ऑपरेशन कितने लगेंगे, 15 के केस में 4, और किसी भी नंबर के केस में कितने लगेंगे, जितने भी मेरे उस नंबर में 1 होंगे, उसकी बाइनरी प्रेजेंटेशन में जितने भी 1s होंगे उतने मेरे ऑपरेशंस लगेंगे। तो ये मेरा 4 देखें हम, यहाँ तो 15 के इसमें मिनिमम नहीं है, हम 2 ऑपरेशन में मिनिमम में कर सकते थे। तो हम इसको ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, इसको ऑप्टिमाइज करने के लिए ये चीज़ नोट करिए, हम क्या कर रहे थे, इसमें 1 ऐड कर रहे थे। जब मैं इसमें 1 ऐड करता हूँ तो क्या होगा, 0 0 0 0 1 ये आएगा, और फिर मैं क्या कर रहा था, 16, यानी कि यही 1 0 0 0 0 इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा था, तो मेरे सारे 0 हो जा रहे थे। तो यहाँ पर ये चीज़ नोट करने वाली है, जब भी हम इस टाइप के जहाँ पर मेरे कंसेक्यूटिव 1s हो उसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट 1 यहाँ पर 1 ऐड करते हैं, तो ये जितने भी 1 होते हैं ये सारे क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं, और इससे अगला डिजिट क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, मैं लेता हूँ 1 1 0 0। अब अगर मुझे सेम काम करना है, जैसे इनको 0 0 0 0 और यहाँ पर 1 लाना है, बेसिकली इन दोनों 1 को मुझे 0 करना है और उसके आगे 1 लाना है एक, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं इसमें जो भी मेरा ये लास्ट 1 है ये इसमें ऐड कर दूँ, जैसे मैं इसमें ऐड कर दूँ 1 0 0, यानी कि मैं इसमें 4 ऐड कर दूँ। मेरा ओरिजिनल नंबर क्या था, 12 था, इसमें मैं 4 ऐड कर दूँ तो मेरा क्या बन जाएगा, 16 बन जाएगा, और इसको जब ओरिजिनल में बाइनरी में करूँगा तो 0 0, ये 1 1 0, फिर यहाँ पर कैरी आएगी 1 1 0 और ये कैरी 1, ये मेरा बन जाएगा। तो मैं किसी भी ग्रुप ऑफ 1s को एक ऑपरेशन परफॉर्म करके ऐसे बना सकता हूँ कि वे सारे हो जाएँ 0 और उसके आगे 1 1 हो जाए। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ ऑपरेशन जो हमें चाहिए 0 बनाने के लिए वो हम रिड्यूस कर सकते हैं। ओवरऑल एक बार हम एक और एग्जांपल खेल से देख लेते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1, मैं ये एग्जांपल लेता हूँ। इस केस में देखिए, मेरा यहाँ पर केवल सिंगल 1 है, तो मैं इसको ऐड करके पहले जैसे इसको 1 0 में कन्वर्ट करूँ और फिर ये 1 रिमूव करूँ तो मेरे लगेंगे 2 ऑपरेशन। तो ऐसे केस में जहाँ पर मेरा केवल सिंगल 1 हो उसमें तो मैं क्या करूँ, इसको सब्ट्रैक्ट ही कर दूँ, यहाँ से -1 करूँगा तो ये मेरा 0 हो जाएगा। जब मेरा सिंगल 1 हो तो मैं उसको क्या करूँ, सब्ट्रैक्ट ही कर दूँ तो ये मेरा 0 हो जाएगा। तो मैं इसको 1 सब्ट्रैक्ट करके 1 ऑपरेशन में क्या बना सकता हूँ, 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0, मेरा ये बन जाएगा। फिर मेरे यहाँ पर क्या है, ग्रुप ऑफ 1s है, तो मैं इनको ऐसे बनाऊँ 1 0 0 0, इसमें ये वाली ऐड करके 1 0 0 0 ये ऐड करके मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ 0 0 0 1, और मेरे यहाँ पर आएंगे ये एक ऑपरेशन से मेरा ये बन जाएगा। फिर जब मैं इसको दोबारा देखूँगा तो मेरे यहाँ पर फिर से ग्रुप ऑफ 1s आ गए, तो मैं इनमें भी यही करूँ, यहाँ पर 1 0 0 0 ये ऐड कर दूँ तो मेरा क्या बन जाएगा, 0 1 0 0 0 0 0 0, ये सारे मेरे 0 हो जाएंगे और ये वाला क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और फिर लास्ट में मैं क्या करूँ, सिंगल 1 रह गया तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दूँ, इस 2 की पावर को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरा 0 बन जाएगा। तो टोटल मेरे कितने ऑपरेशंस लगे,
एक ऑपरेशन लगा इसको रिमूव करने में, फिर एक ऑपरेशन से हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर एक ऑपरेशन से हमने इसको इसमें कन्वर्ट किया, और फिर इससे हमने ये सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे टोटल चार ऑपरेशन लगे। जो हमने ओरिजिनल नंबर लिया था ये हमारा क्या था 441, और हमने इस पर ऑपरेशन क्या परफॉर्म करे, हमने पहले इसमें से 1 घटाया 440, फिर हमने इसमें 8 ऐड किया 448, फिर हमने इसमें 64 ऐड किया 512, जो भी क्या है 2 की पावर, तो हमने इसमें से 512 सब्ट्रैक्ट किया और ये हो गया 0। 1 ऑपरेशन, 2 ऑपरेशन, 3 ऑपरेशन, 4 ऑपरेशन, हमने ये 4 ऑपरेशन इस पर परफॉर्म किए, और ये मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन है जिसके थ्रू हम इसको 0 बना सकते हैं। तो हमारे पूरे एल्गोरिथम में हमें क्या करना है, यही करना है, हमें उसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखनी है और उसके अंदर हमें ये फाइंड आउट करना है कि सिंगल वन है कि ग्रुप ऑफ वंस है। जब हमारा सिंगल वन है तो हमें उसे सब्ट्रैक्ट करना है, जब ग्रुप ऑफ वंस है तो उसमें ऐड करना है, और इस प्रोसेस को रिपीट करना है। एक बार इसका कोड देख लेते हैं कि हम इसको कोड में इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। कोड में हमने क्या किया है, हमने एक आंसर वेरिएबल लिया है जिसमें हम स्टोर करेंगे कि हमारे कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन हो चुके हैं, और लास्ट में यही आंसर हम रिटर्न करेंगे। हमें करना क्या है, एन को 0 बनाना है, तो जब तक एन 0 नहीं होता हम उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करते जाएंगे। सबसे पहले हम क्या करें, हम लास्ट डिजिट चेक करें कि वो 1 है या 0 है। अगर वो 1 है तो मुझे एक ऑपरेशन तो परफॉर्म करना ही पड़ेगा, चाहे वो सब्ट्रैक्शन का हो चाहे एडिशन का हो, तो इसलिए मैंने क्या कर दिया, मेरे ऑपरेशन बढ़ा दिए कि मुझे एक ऑपरेशन तो परफॉर्म करना ही पड़ेगा, और इसको मैं राइट शिफ्ट कर देता हूँ। राइट शिफ्ट का यूज़ हम अभी देखेंगे। बेसिकली मैं उस 1 को 0 बना दे रहा हूँ और फिर राइट शिफ्ट कर दे रहा हूँ ताकि मैं हमेशा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट इस बिट को चेक कर सकूँ कि ये 1 है या नहीं है। हम इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से भी देखेंगे। फिर उसके बाद मैं क्या चेक कर रहा हूँ, मैं ये चेक कर रहा हूँ कि अगर मेरा नेक्स्ट बिट 0 है तो मैं क्या करूँ, कंटिन्यू कर जाऊँ। नेक्स्ट बिट 0 का मतलब क्या हुआ, 0 1, कुछ इस तरह से मेरी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन थी, यानी कि मेरा 1 सिंगल था, मेरे ग्रुप ऑफ वंस नहीं थे, तो मुझे एक ऑप्शन सब्ट्रैक्शन का करना है। ये चीज़ हम चेक करें, अगर ये नहीं था, अगर मान लो यहाँ पर भी 1 था, कुछ मेरी रिप्रेजेंटेशन इस तरह से थी, तो मैं क्या करूँ, जब तक मेरे आगे वाले बिट्स 1 है, मैं क्या करूँ, राइट शिफ्ट करता जाऊँ। राइट शिफ्ट करके क्या होगा, पहले मेरा ये बिट गायब होगा, फिर मेरा ये बिट गायब होगा, फिर ये गायब होगा, फिर ये गायब होगा, तो ये सारे के सारे ग्रुप जो 1 थे वो मैं एक ही ऑपरेशन में हटा दे रहा हूँ। और लास्ट में मुझे क्या करना था, इसके बाद 1 ऐड करना था, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, जब ये सारे राइट शिफ्ट 1 हो गए और मेरा अब 1 नहीं है, तो मैं 0 को किससे रिप्लेस कर दे रहा हूँ, 1 से, एन इक्वल टू एन और 1। अब जब मेरे ये सारे 1 राइट शिफ्ट हो गए मेरे बाइनरी से बाहर जा चुके होंगे, तो मेरे LSB पर क्या आएगा, 0 आएगा। इसका जब मैं 1 के साथ और करूँगा तो ये वाला बिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये सेम इफेक्ट देगा, यहाँ पर 1 होना 1000, मेरे को इन 0 का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं इनको राइट शिफ्ट कर दे रहा था मेरे नंबर से, ताकि हर बार मैं LSB को चेक कर पाऊँ कि वो 1 है या नहीं है। इसी ऑपरेशन को मैं फिर लूप में रिपीट करूँगा। अगर मान लो यहाँ पर मेरा 1 नहीं होता, मेरा LSB अभी 0 होता, तो मुझे 0 में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं सिंपल क्या करता, नंबर को एक बिट से राइट शिफ्ट कर देता, 0 को मेरे नंबर से बाहर ले जाता। जैसे मेरा नंबर मान लो ये होता 110, तो मैं इसको राइट शिफ्ट कर दे रहा हूँ, तो मेरा नंबर क्या बन जाता, 11, LSB पर 1 आ जाता और मैं इसको चेक कर लेता। अभी अगर हम इसी एल्गोरिथम का पूरा फ्लो हमारे उसी एग्जांपल देखें जो हमने अभी लिया था। हमने क्या एग्जांपल लिया था, 00110111001। हमने इसमें देखा था कि हमें कितने ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे, 4। तो एक बार इस कोड फ्लो की हेल्प से भी देखते हैं कैसे हो रहा है। ये हमारा है एन, मेरा पहला बिट क्या है, 1 है, है, तो मेरे ऑपरेशन कितने हो गए, 1 हो गए। मैं इसको राइट शिफ्ट कर देता हूँ, राइट शिफ्ट का मतलब क्या होगा, ये मेरी बाइनरी से बाहर चला जाएगा, तो मेरी बाइनरी ये बचेगी। अब नेक्स्ट बिट क्या है मेरा, 0 है, तो मैं वापस कंटिन्यू यहाँ पर आ जाऊँगा। अब मेरा 1 नहीं है, तो मैं राइट शिफ्ट करूँगा 1 से, यानी कि ये 0 मेरा बाहर चला जाएगा। फिर से मैं लूप पर आऊँगा, अभी भी 0 है, तो मेरा ये 0 भी इस एल से बाहर चला जाएगा, तो मेरी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ये बचेगी। मैं यहाँ पर आऊँगा, अब मेरा 1 है, ये बिट 1 है, तो ये ट्रू होगी कंडीशन, तो मेरे ऑपरेशन कितने हो जाएंगे, 2। फिर मैं इसको राइट शिफ्ट कर दूंगा, यानी इसको बाहर भेज दे रहा हूँ। बाहर भेजने के बाद अब मैं इस बिट को चेक कर रहा हूँ, ये 1 है या नहीं है। ये 0 होता तो मैं वापस ऊपर चला जाता, लेकिन ये 1 है तो मैं इस वाइल लूप पर आऊँगा। इस वाइल लूप पर आकर मैं क्या चेक कर रहा हूँ, जब तक मेरे ये 1 है, कंसेक्यूटिव 1 है, मैं क्या करूँ, इनको अपनी बाइनरी से बाहर भेज दूँ, राइट शिफ्ट कर दूँ। तो इस ऑपरेशन के बाद मेरी बाइनरी बचेगी, ये इतनी बचेगी, इसका मैं कर दूंगा और, एन इक्वल टू एन और 1। इससे क्या होगा, मेरा ये वाला 0 1 बन जाएगा। तो अभी हमारी बाइनरी ये है और हम इस लूप पर आ जाएंगे। अब ये चेक करेगा
एन एंड वन ये ट्रू है तो मेरे ऑपरेशन कितने हो जाएंगे, थ्री हो जाएंगे, तो इसको ये राइट शिफ्ट कर देगा, फिर इस बिट को चेक करेगा ये वन है, तो जब तक वन है मैं क्या करूँगा इनको राइट शिफ्ट करता रहूँगा, मेरा इतना बचेगा और यहाँ पर आएगा एन इक्वल टू एन और वन, इस जीरो को क्या करेगा ये वन बना देगा और वापस मेरा लूप में यहाँ पर आ जाएगा। अभी हमारा नंबर इतना बचा है, ये चेक करेगा एन एंड वन वन है तो ऑपरेशन कितने हो जाएंगे, फोर हो जाएंगे, और फिर क्या करेगा इसको राइट शिफ्ट कर देगा, फिर देखेगा एन एंड वन ये जीरो के इक्वल है तो हमारा लूप यहाँ पर आएगा। अब हमारे नंबर में क्या बचा है, केवल जीरो बचा है, तो यहाँ से ये वाला लूप एग्जिट हो जाएगा और यहाँ पर आएगा और हमारे आंसर में क्या था फोर, और वो हम रिटर्न कर देंगे। तो इस प्रॉब्लम पे इसके लिए हम क्या करें, क्योंकि हम किसी भी नंबर को टू की पावर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हमारे ऑपरेशन भी क्या है, या तो टू की पावर ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, तो हम बिट वाइज ऑपरेशन का यूज़ कर रहे हैं। ऑर्डिनरी अगर हम बिट वाइज ऑपरेशन का यूज़ करते हैं तो हम क्या करते, एक एक वन को एक ऑपरेशन में हटाते, लेकिन उससे हमारे ऑपरेशन ज़्यादा लगते। तो हमने किस प्रॉपर्टी का यूज़ किया कि अगर हमारे ग्रुप ऑफ वंस एक साथ आ रहे हैं तो हम उन सबको एक ही ऑपरेशन में जीरो बना सकते हैं और एक सिंगल वन से रिप्लेस कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमने इन ऑपरेशंस को एफिशिएंटली यूज़ किया ताकि हम नंबर को फास्ट वे में जीरो पर ले जा सकें। इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, वर्स्ट केस में मेरा क्या होगा, नंबर कुछ तरह से होगा 10 10 0 10 0 कुछ इस तरह से होगा, और मेरी रेंज कितनी दी हुई है 10^5 दी हुई है। अगर मैं मान लूँ यहाँ पर मुझे 10^9 मैक्सिमम इंटीजर की रेंज भी दी होती तो मैक्सिमम मैक्सिमम मेरे कितने ऑपरेशन लगते, मैक्सिमम वन इसमें कितने होते 30 होते, लेकिन मेरे ऑपरेशन और भी कम लगते, बट अभी के लिए मैं मान लेता हूँ मैक्सिमम 30 लगते, तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, मैक्सिमम ऑफ 30, इससे कम ही आएगी, जिसको कि हम कॉन्स्टेंट मान सकते हैं। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, कॉन्स्टेंट है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, वो भी कॉन्स्टेंट है, हम कोई भी एक्स्ट्रा एरे का यूज़ नहीं कर रहे हैं।